गंगा जी गंगोत्री से निकलती हैं, आपने दर्शन किए होंगे। जमुना जी जमुनोत्री से निकलती हैं, आपने दर्शन किए होंगे। नर्मदा जी अमरकंटक से निकलती हैं, आपने दर्शन किए होंगे। लेकिन अभी मैं आपको दर्शन करवाऊंगा एक ऐसा शिवलिंग जिसके ऊपर कावेरी जी का अभिषेक हो रहा है। तीन स्टेट को ये माता जीवन प्रदान करती हैं पानी देकर, उसमें मुख्य हैं कर्नाटक और तमिलनाडु। कानागढ़ रेलवे स्टेशन से आपको जाना पड़ेगा जो कि कर्नाटक में है और मैंगलोर से पास में है। अभी मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ जहाँ से, जिस मंदिर से कावेरी जी बहकर ज़मीन पर आती हैं। मंदिर के पास एक तालाब है, चलिए अब उस तालाब में चलते हैं। सामने ये जो आपको सिल्वर का मंदिर दिख रहा है, इसी में कावेरी माता की मूर्ति है और तालाब के आसपास सिल्वर कोटिंग किया हुआ है। इसी मंदिर के अंदर स्थापित हैं कावेरी माता। ये जो कुंड है, यहाँ से कावेरी माता नीचे आती हैं और पास के में एक शिवलिंग है, वहाँ से गौ के मुख में से पानी सीधा शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है और फिर यहाँ से पहाड़ों से बहती हुई नीचे ज़मीन पर जाती हैं कावेरी माता। पास में आपको एक दिखेगा अशोदा का पेड़। अगस्त मुनि ने इसी पेड़ के नीचे तपस्या की थी, ये उसी की पेड़ की जड़ से निकला हुआ पेड़ है। ये माता जी का मंदिर है और यहीं पे पास में एक कुंड है, यहीं कुंड से पानी नीचे बहते हुए जाता है और शिवलिंग तक गिरता है। आपने मंत्र सुना होगा, गंगे च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जालेसिमिन सानेरिमिन कुरु, तो जो सात बड़ी बड़ी नदियां हैं उसी में से एक हैं कावेरी माता। आपने गंगा में स्नान किया होगा, गंगोत्री गए होंगे। जमुना में स्नान किया होगा, जमुनोत्री गए होंगे। अमरकंटक में स्नान किया होगा नर्मदा जी का, लेकिन बहुत कम लोगों ने कावेरी में स्नान किया होता है और तला कावेरी के दर्शन बहुत कम लोगों ने किए होते हैं, क्योंकि ज़्यादा करके साउथ भारत की एक्सट्रीम दिशा में होने की वजह से लोग वहाँ जा नहीं पाते।